तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गूगल पीपल कार्ड, जो कि एक नया फीचर आ गया गूगल का, और ये ओनली अभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर अवेलेबल है, जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं होगा। आप ब्राउज़र में इसे अभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे और इसे अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों है क्या चीज़, तो अपने प्रोफाइल को यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनाना, जैसे कि गूगल पीपल कार्ड यहाँ पर बनेगा, जिसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, जिसके अंदर आप अपने सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट है, इसके साथ यूट्यूब अकाउंट है, इसके साथ आपकी कोई वेबसाइट है, तो ऐड मी टू सर्च आपको यहाँ पर सर्च करना है। अपने मोबाइल के अंदर जो आपका गूगल सर्च ऐप है, उसी के अंदर आपके पास में गूगल अकाउंट होना चाहिए, गूगल सर्च ऐप होना चाहिए, और यहाँ पर आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपको सामने दिखेगा एड योर सेल्फ टू गूगल सर्च। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, व्यू एग्जाम्पल पर जाकर आप एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं, और गेट स्टार्ट पर जाकर आप अपना प्रोफाइल रेडी कर सकते हैं, जो कि बाद में जाकर अभी तुरंत तो नहीं कह सकता कि सर्च में आ जाए, लेकिन आपका जो आइडेंटिटी है वो एक तरह से कार्ड है, गूगल कार्ड, वो आ जाएगा। जानकारी उतनी ही डालें जितनी आप शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसके साथ ही यहाँ पर इससे आपको फ़ायदा होगा, अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको अच्छा ट्रैफिक मिल सकता है, आपका यूट्यूब चैनल है तो आपको ट्रैफिक मिल सकता है, जिससे अर्निंग आपकी अच्छी हो सकती है। यहाँ पर व्यू एग्जांपल क्लिक करने पर आपको एक डेमो दिखाया जाएगा कि आपका कार्ड कैसा दिखेगा। इसके साथ ही गेट स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से ये काम करता है। अपना खाता आप चुन सकते हैं, खाता चुनने के बाद में आप यहाँ पर क्रिएट अ पब्लिक प्रोफाइल ओके कोट इट पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मुझे ज़्यादा आती नहीं है, आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन ये प्रोफाइल आपको इंग्लिश में ही बनाना होगा और हिंदी में ये प्रोफाइल नहीं बनेगा, और बनेगा तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। इधर देखें तो मेरा चैनल का नाम आ रहा है ऑलरेडी फिल्ड, उसको आप एडिट नहीं कर सकते, जो कि आपकी ईमेल आईडी में जो नाम लिख सकता है वही यहाँ पर ऐड होगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पर अपनी लोकेशन ऐड करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी लोकेशन देवू डाल देता हूँ। इसके साथ ही आप यहाँ पर बहुत सारे अबाउट का सेक्शन है, अबाउट में आप अपने बारे में सारी जानकारी भर सकते हैं, जो चाहे मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी भर दूँगा। तो यहाँ पर मैं अपने बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ, अपने बारे में जो भी जानकारी आप भरना चाहें अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने अबाउट सेक्शन में डाल सकते हैं, अपनी ऑक्यूपेशन डाल सकते हैं, जो काम आप करते हैं, इसके साथ ही आप अपना यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो रही है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, जैसे कि यहाँ पर मैं कंपाउंडर डाल रहा हूँ। इसके साथ ही वर्क प्लेस आप डाल सकते हैं, वर्क क्या करते हैं, कहाँ पर करते हैं, आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं या अपने डिपार्टमेंट का नाम लिख सकते हैं, आप अपना प्रोफेशन डाल सकते हैं, जो भी है आपको जो सही लगता है। मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स यहाँ पर डाल रहा हूँ, जैसे कि आयुर्वेद डिपार्टमेंट। इसके साथ ही एजुकेशन दे रखा है, इसके साथ ही होम टाउन दे रखा है, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे रखा है, जहाँ पर आप सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने प्रोफाइल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वर्क टेक यूट्यूबर भी कर सकता हूँ, एज ए मेल नर्स कर सकता हूँ, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे, आप पब्लिकली जो शो करना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पर आपको ऐड करनी होगी। इसके साथ ही नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर एजुकेशन दे रखी है, तो एजुकेशन आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रखी है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर, जो आपकी यूनिवर्सिटी या जो भी रहा है आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मेरी जो यूनिवर्सिटी है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ से मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, हालांकि मैंने डिप्लोमा कहीं और से किया था, वो यहाँ पर मुझे सर्च में अभी फटाफट से नहीं आ रही है, मैं बाद में इसे कर दूँगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना होम टाउन डालना है, इसके बाद जैसे कि डूंगरपुर, इसके साथ ही यहाँ पर आपको वेबसाइट डालनी है आपकी, ऐसे कोई आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट आयुर्वेदहिंदी.com को ऐड कर रहा हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर सोशल मीडिया प्रोफाइल आपको नीचे की तरफ दिखेगा, यहाँ पर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब के लिंक ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे हैं। यहाँ पर मैं पिंटरेस्ट का छोड़ के बाकी सब ऐड करने वाला हूँ, तो फटाफट से का ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के मैंने
यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। और ये सारे अकाउंट मैंने ऐड कर लिए। यहाँ पर नीचे की तरफ सेव ऑप्शन पर जाकर आप इन्हें सेव कर सकते हैं, ताकि ये पूरा प्रोफाइल आपका एज ए कार्ड, एक वर्चुअल कार्ड है जिसकी मदद से आप पूरी दुनिया से इंटरेक्ट कर पाएंगे, पूरी दुनिया आपसे जुड़ पाएगी। तो काफ़ी अच्छा है, आप इस तरह से ऐड कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ और ये प्रोफाइल इस तरह से पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेव करने से पहले आप चाहे तो अपने प्रोफाइल को फिर से एडिट कर सकते हैं, अगर कुछ रह गया है तो आप इसमें आसानी से अपडेट कर सकते हैं, अगर सेव नहीं किया है तो। गूगल की पॉलिसी को ज़रूर पढ़ लें और उनकी पॉलिसी का समय समय पर पालन भी करते रहें, और अपने प्रोफाइल को आसानी से आप इस तरह से देख सकते हैं और इसे सेव कर लीजिए। तो आपके सारे जितने भी हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप इस प्रोफाइल को बना लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी आप लोगों को मुझे बतानी थी। इस तरह से आप पूरा प्रोफाइल बना लीजिए और एंजॉय कीजिए गूगल के साथ में, इस नए फीचर के साथ में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर से करें। अगर इससे आप संबंधित कोई सवाल है तो आप ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर हमारा कार्ड बन चुका है। ये सर्च में कब आता है इस बारे में भी कोई वीडियो मैं बनाऊँगा। अगर आप चाहते हैं सर्च में कैसे आता है इसके बारे में जानने के लिए, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इससे संबंधित वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए।